Hello, myself Dr. Santosh from Neuroroot Hair Clinic, Kolkata. Today we will talk about the sweating and hair transplant. So sweating is how much harmful to your transplanted hair. So basically kya hota hai? Sweating creates a friendly environment for infection and you can say irritation. So चांसेस ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन स्वेटिंग के वजह से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्कैल्प होता है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ देयर इज अ स्वेटिंग देन द इन्फेक्शन और इरिटेशन ज़्यादा होने लगता है. सो व्हाट यू नीड एक्चुअली, यू नीड टू अवॉइड द एक्टिविटीज़, जो आपकी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो सकता है, जो आपका हैवी वर्कआउट है, अगर आप स्टीम बाथ ले रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है. एक्सेसिव एक्सपोजर टू योर स्कैल्प सनलाइट में, वो आपको बेसिकली कम करना है या अवॉइड करना है. सो यू नीड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन आफ्टर द सर्जरीज एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, योर रिजल्ट विल बी ऑप्टिमम एंड द बेस्ट. सो ओवरऑल इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वट एवर वी गिव एट द एंड ऑफ सर्जरी टू ईच एंड एवरी पेशेंट. सो अब देखते हैं हाउ दिस स्वेटिंग अफेक्ट, बेसिकली क्या होता है. बिकॉज ऑफ स्वेटिंग देर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ द स्वेट विच इज अ मिक्सचर ऑफ नथिंग बट द नेचुरल ऑयल अलॉन्ग विद सम मिनरल्स एंड वाटर. दे कॉजेज द इरिटेशन, ड्राई आउट हो जाता है आपका स्कैल्प, इरिटेट होने लगता है बिकॉज ऑफ ड्राई एंड बिकॉज ऑफ इरिटेशन. अनड्यू जो आप टच करते हो, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो जाता है और जो आपके ओन क्रिएट किए गए ड्यूरिंग द सर्जरी उसका हीलिंग थोड़ा स्लो डाउन या डिले हो जाता है. सो ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग आफ्टर द सर्जरी. सो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू स्टे अवे आफ्टर द सर्जरीज फॉर द स्वेटिंग, तो कौन से स्पोर्ट्स है. Actually, if you are in any sport, that sport you need to be avoided because sport, whenever you have a physical activity, there is a sweating and you need to avoid the sport. आप जो सोना बाथ लेते हो वो भी आपको अवॉइड करना है, इससे आपको दूर रहना है. स्टीम बाथ लेते हो, अगर आप जो रूम है जो आपका बेसिकली स्टे वाला चीज़ है वो ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, सन एक्सपोजर आपको कम करना है. डू नॉट यूज़ द टू लॉन्ग कैप, कैप को बहुत देर तक आप पहनोगे तो स्वेटिंग हो सकता है. ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखना है एटलीस्ट 3 weeks to 4 weeks और यू कैन से 1 month आफ्टर द सर्जरीज. सो बेसिकली इफ़ यू डू ऑल दिस थिंग तो आपका जो हीलिंग है वो एक्सेलरेट हो जाएगा एंड देन योर रिजल्ट विल बी good. So it accelerate the healing and achieve the best result. Whatever the treatment or medication we provide after the hair transplant, you have to follow that. Then our surgeon advice of do's and don'ts, you need to follow all these instructions. So at Neuroroot, after the hair transplant, as per the season, we give all the instruction sheets and our back office team is always there to help you. What are the things you need to avoid and what are the things you are going to do to get the optimum result. So Neuro team is always be there to help you in each and any kind of situation. So there are certain questions, kuch questions hote hain jo bar bar aate hain. How sweating wreck the havoc on your newly hair transplanted hair. Kya hota hai, because of the sweating there is a decrease hair flow. Air flow yahan ka decrease ho jayega. डायरेक्ट एयर जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, तो क्या हो जाता है, वायबिलिटी ऑफ द ग्राफ स्लोली एंड स्टडी विल बी डिक्रीजेस एंड विच इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ द रिजल्ट. सो दिस इज हाउ एंड यू ऑलरेडी नो दैट इट कॉजेज इरिटेशन इन्फ्लामेशन, तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको स्वेटिंग अवॉइड करना है. सो स्वेटिंग क्या आपके हेयर पॉलिकल को ब्लॉक कर देता है, आपके हेयर पॉलिकल का ग्रोथ नहीं होने देता है? येस, बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग योर स्कैल्प विल बी dries out and because of the dry out scalp there is a clogging, aapke jo pores hai wo band ho jayega and that's sweating because of the mixing of dirt ho gaya, bacteria ho gaya, inflammation badh jayega and then will damage the hair follicle and because of that aapka growth thin ya nahi ho sakta hai. Now next jo common question hai, does sweating makes transplanted hair weak? Sweating kya aapke transplanted hair ko weak karta hai?
Exactly, because sweating is nothing but the mixture of water and some oil. Okay, that secretion of the sebaceous gland, sweat gland, which is there. Okay, तो ये क्या करता है? आपके जो pores है, उसको clog कर देता है, बंद कर देता है. And because of that, what happens? Transplanted hair का जो growth होना है, वो growth compromise हो जाता है. So there is the usual question, sir, when can I start sweating after the hair transplant? You cannot start the sweating basically. यानी आप कब नॉर्मल एक्टिविटीज में जाते हो? तो क्या है बेसिकली, एक आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए. स्वीटिंग क्या है? आपके बॉडी को रेगुलेट करने का एक मैकेनिज्म है. इट्स अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. व्हेन यू हैव इन हाई टेम्परेचर, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करता है? स्वेटिंग करता है और आपका टेम्परेचर रेगुलेशन करता है. कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्वेटिंग होते हैं, जैसे आपका वेदर कौन सा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो. ऐसा भी होता है बहुत बार, आपके मेंटल स्टेटस, अगर आप एंजाइटी में हो तो भी स्वेटिंग ज़्यादा हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर भी स्वेटिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं. मेडिकली आप देखा जाए तो आपका स्वेटिंग कौन कंट्रोल करता है? आपके इसमें सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये जो नर्वस सिस्टम है, आपका ब्रेन में एक सिस्टम होता है, वो क्या करता है, आपका स्वेटिंग किस तरह से बढ़ाता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्वेटिंग विल बी देयर. सो मेडिकली इफ यू वांट टू बी अ गुड, यू वोंट स्वेट एटलीस्ट फॉर 6 to 7 days. इसको बोलते हैं, जैसे आप स्वेटिंग, आपका बॉडी स्वेटिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि क्या होता है कि पहले 5 से लेकर 7 दिन तक हम लोग जो एनेस्थेशिया देते हैं, दैट एनेस्थेशिया ब्लॉक द सिक्रीटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड. सो ऑटोमेटिकली पहले 5 से 7 दिन आपको स्वेटिंग वैसे ही नहीं होगा. ओके, सो एंड आफ्टर दैट स्लोली आपके ग्लैंड, बिकॉज एनेस्थेशिया के इफेक्ट से वेन आउट हो जाएगा और आपका ग्लैंड स्वेटिंग करना स्टार्ट कर. बाद में आपको अवॉइड करना है स्वेटिंग एटलीस्ट फॉर 2 to 3 weeks. ओके, एंड बीइंग अ सर्जन वी शुड ऑलवेज एडवाइस यू टू स्टेयर क्लियर फ्रॉम योर स्वेटिंग और यू कैन से परस्पिरेशन फॉर एटलीस्ट 3 weeks to 4 weeks आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट. Now, sweating is really good after the hair transplant. No, it's not good, because I know it's a normal response of your body that to go for the sweating, it's a physiological effect, but it locks your pore. So you need to take all the precautionary measure to avoid that sweating. पहले 7 days तो आपका body ही नहीं करता है. Now, the heat, जो बोलते हैं हम लोग, hot environment, is bad after hair transplant? Yes, because of the hot environment, आपका जो फीलिंग है वो आपको परस्पिरेशन करता है. परस्पिरेशन बढ़ने की वजह से आपका स्वेट होता है, बिकॉज ऑफ स्वेट एयर फ्लो जो है वो कम हो जाता है सर्कुलेशंस आपके स्कैल्प में. आपके हेयर फॉलिकल जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा और रिकवरी स्लो हो जाएगी. सो एटलीस्ट यू नीड टू फॉलो समथिंग, दैट इज़ यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ योर रूम और ऑफ योर लाइक पर्टिकुलर प्लेस, आप जहाँ रेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट 25 to 30 degrees Celsius के बीच में एक टेम्परेचर होना चाहिए. अगर फिर भी स्वेटिंग है तो विद द हेल्प ऑफ क्लीन क्लॉथ आप उसको डैप करना है. इस तरह से रब नहीं करना, जस्ट डैप इट स्वेट जेंटली आपको करना है. सन अवॉइड करना है, बाहर घूमना, बाहर नहीं जाना चाहिए. टेम्परेचर ऑल्सो कॉज द स्वेटिंग. आपका जो रूम है एक वेंटिलेटरी फ्लो होना चाहिए. वेंटिलेटरी फ्लो मीन्स एयर आपका अंदर जाके बाहर निकलना चाहिए, वेदर इट इज़ अ एयर कंडीशनर रूम और वेदर दे हैव द विंडो, बट इट्स अ गुड वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए. पोस्ट ऑपरेटिवली आपको जो स्प्रे देते हैं नॉर्मल, उसका रेगुलर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फॉलो आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट. कुछ लोग पूछते हैं सर हॉट शावर इज़ गुड? नो, मेडिकली और साइंटिफिकली स्पीकिंग यू कैन सी द हॉट वाटर इज कॉज द ओपनिंग ऑफ द पोर्स. सो हॉट वाटर इज नॉट, हॉट शावर इज नॉट रिकमेंडेड आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट. So these are the kind of things, do's and don'ts after the hair transplant for the sweating. So there is a big no for the sweating for at least 3 to 4 weeks, and that will give you the good and the best results. So I hope in a nutshell you understand all the things regarding what are the side effect of the sweating. So keep away from the sweat at least for 3 to 4 weeks and get your best results. So thank you so much.